सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। केस लगातार कम हो रहे हैं, ये बड़ी राहत की बात है और अब तो देश अनलॉक भी होने लगा है, लेकिन एहतियात इस वक्त सबसे जरूरी है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,65,144 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,463 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 2,64,242 लोग रिकवर हुए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 21 लाख के पास आ गई है। कोरोना के घटते केस राहत दे रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 832, कर्नाटक में 492 और तमिलनाडु में 486 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। यूपी में हालांकि मौतें अब भी घटने लगी हैं, लेकिन अभी भी ये संख्या रोजाना 150 के पार है। पश्चिम बंगाल में भी एक दिन में 148 मौतें हुई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 956 नए केस सामने आए हैं। यह संख्या 22 मार्च के बाद सबसे कम है। इसी के साथ ही राजधानी में एक दिन में 2,380 लोग रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या भी 13,000 के करीब पहुंच गई है। मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.19% पर आ चुका है। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना केस में कमी को देखते हुए कई छूट दी गई हैं। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में कैंपस के अंदर स्थित मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट में शर्तों के साथ कामकाज की अनुमति होगी। काम के लिए आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा और साथ ही उनके वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे, जिससे कि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,994 नए केस आए। वहीं 7,882 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 50,000 से कम होकर 46,000 के पास आ गई है। हालांकि 24 घंटे में राज्य में 155 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। देश में अब तक 20,89,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 2.2 करोड़ वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र में लगाई गई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1.8 करोड़, राजस्थान और गुजरात में 1.7 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 1.4 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए बड़ी पहल की है। ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई और दूसरे खर्च पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस फंड से किए जाएंगे। सरकार इसके साथ ही इन बच्चों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी और हाई एजुकेशन तक देखभाल करेगी। इन्हें 18 साल तक लगातार स्टाइपेंड मिलेगा और 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए उनके केयरटेकर को 4,000 रुपए प्रतिमाह देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। यूपी सरकार अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 की सहायता राशि भी उपलब्ध कराएगी, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले और व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले ऐसे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत किराना दुकान, डेयरी, अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में एक बार में 4 लोग प्रवेश कर सकेंगे। 6 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर रुकने पर प्रतिबंध होगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं शादी विवाह में कुल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।